नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होने वाली गैंग का नेटवर्क मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। वहीं ग्वालियर पुलिस को एक छात्र के परिजन ने सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया, वो डील करने डबरा के टेकनपुर स्थित होटल के पास बुला रहे हैं और यहां बड़ी डील हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारकर मौके से 33 लोगों को पकड़ा है। इनमें से 8 आरोपी हैं जो पर्चा यानी कि पेपर लीक कर बेच रहे थे। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ और इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बाकी 2 आरोपी हरियाणा और 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसके अलावा मौके से 26 स्टूडेंट्स को भी पकड़ा है, जिनमें 15 लड़कियाँ और 11 लड़के हैं। लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी ना किसी माध्यम से संपर्क करना, और जो 2 के लोग थे उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हरेक का काम बटा हुआ था।